हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्कोहल, फिनोल और ईथर, जो हमारा यूनिट अभी करंट चल रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स में हमने लास्ट सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस देखा हुआ था। देर इज अ क्लीवेज बिटवीन सी एंड ओ विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक एच एक्स और हेलोजन एसिड, राइट। और मैंने कई कई अलग अलग तरह के क्लीवेज आपको दिखाए थे, जैसे सिमेट्रिक ईथर में क्या होता है, असिमेट्रिक ईथर इफ बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बोथ अल्काइल आर प्राइमरी इन नेचर, वन इज प्राइमरी एंड रिमेनिंग इज सेकेंडरी इन नेचर, वन इज टर्शियरी इन नेचर। तो उस समय हमें SN1 या SN2 का क्या थॉट हमारे मन में आना चाहिए, मैंने आपको सभी वो डिटेल से मैंने बताया हुआ था। दूसरा मैंने ऐसा भी बताया था, फिनॉलिक ईथर है उसमें हम क्या कर सकते हैं। थर्ड वन, बेंजाइल अल्काइल हो तो क्या हम कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने डाई एराइल ईथर का आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ था। अब हम नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा जो पोर्शन है ये पर्टिकुलरली विच इज अप्लाइड फॉर द एराइल अल्काइल ईथर्स के लिए है। जहां भी हमें एरोमेटिक ग्रुप दिखाई देता है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, इन हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, मेनली फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन जैसी जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स है वो जो बेंजीन या उसके फिनाइल रिंग के जो पाई क्लाउड है उसके ऊपर अटैक करके उसका जो ऑर्थोपेरा ग्रुप है या मेटा ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकते हैं। सो लाइकवाइज इन द अल्काइल एराइल ईथर्स, राइट, वी नो दैट दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ एनिसॉल एंड दिस एनिसॉल हैविंग दिस इज OR ग्रुप एंड दिस OR ग्रुप इज कॉल्ड एज एन अल्कोक्सी ग्रुप एंड अल्कोक्सी ग्रुप हैविंग अ प्लस R इफेक्ट, सो इट्स अ प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, सो दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, सो देयर बाय दे एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग एंड टूवर्ड्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वंस अगेन दिस ओ विच कैन बी पास थ्रू दिस कार्बन, सो एट दैट टाइम पाई क्लाउड इज शिफ्टिंग टू द नेबरिंग कार्बन। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज लाइक वाइज, ओके फाइन, सो पाई क्लाउड इज कनेक्टेड एट पेरा पोजिशन, so once again this adjacent positions pi clouds this negative charge is shifting to the, so at that time your pi cloud is shifting towards to the next adjacent positions. Same way so all five canonical structures that have been given in our portions, so this five canonical structure, so the electron density here in all the cases they are more at the two ortho and one para positions as compared to the metapositions. That's why electrophilic substitution reactions mainly occur at ortho and para positions. Okay, तो अब उसके बारे में, इसमें फर्स्ट हम हेलोजिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। सो इन द केस ऑफ हेलोजिनेशन, राइट, सो वंस व्हेन द एनिसॉल इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन केस इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सो इट्स ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल एंड पेरा ब्रोमो एनिसॉल, बट ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस पेरा ब्रोमो एनिसॉल इन अ मेजर अमाउंट एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल इन अ माइनर अमाउंट, सो इट्स 90% रेशियो दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इन द केस ऑफ हेलोजिनेशन। Same way in the case of Friedel-Crafts alkylation. So when anisole is react with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, so what we have to get the product is ortho and para position. So methyl is a electrophile which can be attacked towards to the ortho and para. Para is the main product and ortho is the minor in nature. The name of this compound is 4-methoxytoluene and here it's a 2-methoxytoluene. Same way in the case of acylation. Right? So in the case of acylation, this anisole when reacts with a ethanoyl chloride, the name of this compound is ethanoyl chloride or sometimes is called as an acetyl chloride 2. In presence of anhydrous AlCl3, so this anhydrous AlCl3 and CH3COCl, they are react with each other and they convert CH3CO+ as an electrophile, and this electrophile which can be attracted towards to the pi cloud of the phenyl ring of anisole, and at ortho and para the density, electron density is greater in nature, so it's converted into 4-methoxyacetophenone as a major product and 2-methoxyacetophenone as a minor product. So same way, similarly with these reactions that we have to perform either in place of acetyl chloride, sometimes we have to use as an acetic anhydride too. But if we use acetic anhydride, so acetic acid is released, but the our end product is the same that we have to observe.
It may be what in the case of nitrations. So in the case of nitrations, where any salt is reacted with a concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, right? So it gives a 4-nitroanisole as a major product and 2-nitroanisole as a minor product. So it may, however, be noted that aromatic ethers, these aromatic ethers, are much less reactive, than phenol towards electrophilic substitution reactions. As such, they do not undergo a coupling reactions as well as the Kolbe reactions and Riemer-Thiemann reactions. So these are all about your ether portions or the chemical properties of ethers. I think so in your textbook there is no uses of ether which can be described in our textbook portions, but ethers are widely used as a solvent both in laboratory level and industrial level. Because why it's used as a solvent? Because it's almost inert in nature and it's a good dissolving power. So as an industrial solvent for oil, resin, gums, it's a extracting solvents in laboratory as well as in industries. As a reactions medium for carrying on lithium aluminium hydride reduction and also for the preparations of Grignard and many other organometallic reagents. Ethoxyethane has been used as an inhalation anesthetic agent in surgery. However, because of its slow effect and unpleasant recovery period, other compounds such as ethrane and isoflurane have replaced ethoxyethane as an anesthetic agent. Diphenyl ether is also used as a heat transfer medium because of its high boiling point near about 531 Kelvin. A number of naturally occurring phenols and ether, particularly ring substituted anisoles, are used as a flavoring agents and in perfume because of their pleasant odor. So once anethol is a constituent of aniseed, number two is eguinol present in oil of cloves, vanillin present in the oil of vanilla beans, and thymol present in thyme and mint. So they are all having some importance. They are having a very good flavoring agents and perfumes too. So this is all about the uses of the ether. But at presently in your NCERT textbook, no uses of ethers that can be described in it present. Okay. So this is all about our theoretical portions about alcohol, phenols and ether. Next sessions we continue with our journey with our NCERT in-text solved questions. Then after unsolved questions, then after exercise, and then after exemplar. Thank you very much.